जिस आतंकवाद की खेती के बल पर पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कराकर आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में रहता था, अब वही आतंकवाद धीरे धीरे पाकिस्तान को निगलता जा रहा है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों की बलि चढ़ रही है। और इसी कड़ी में पेशावर के हेताबाद में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दरअसल यहां पर एक आतंकी हमलावर ने पैरामिलिट्री फोर्स के वाहन पर हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक जवान और एक हमलावर भी शामिल है, जबकि इस हमले में 10 जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले के तुरंत बाद फौज ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हमलावर का मुख्य उद्देश्य फोर्स पर हमला करना ही था। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ली है। ये आतंकी संगठन हाल ही में बना है। पुलिस का ये भी कहना है कि इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे हेताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माना जा रहा है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी के हमले तेज हुए हैं, क्योंकि पिछले साल नवंबर 2022 में पाक सरकार का टीटीपी के साथ सीज फायर समझौता खत्म हो गया था और आंकड़ों के मुताबिक 2023 के शुरुआती 6 महीनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 389 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसियों ने इस साल 13,619 इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी किए, जिसमें 1,172 आतंकी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियां रोजाना 77 ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं और इन ऑपरेशंस में इस साल 95 जवान भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में बलूचिस्तान में सेना पर 2 हमले हुए थे और ये दोनों हमले एक ही दिन में हुए थे और इन हमलों में 12 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई थी। पहला हमला पाकिस्तान के जाहोब में और दूसरा हमला सुई जिले में हुआ था और एक ही दिन में ये मिलिट्री पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। जाहोब इलाके में 9 जवानों की मौत हुई थी, जबकि सुई जिले में 3 जवान मारे गए थे।